अब तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार। दर्शन कर लौटने वालों पर कैलाशपति की कृपा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। पिछले 13 दिन में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वीरवार को 16,578 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी दी, जिसके साथ अब तक 2,65,699 तीर्थयात्री पवित्र गुफा तक पहुंचे हैं। मौसम साफ रहने से पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट से यात्रा जारी है। इस बीच आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से 191 छोटे बड़े वाहनों में 4,885 श्रद्धालु कश्मीर के लिए रवाना हुए। जम्मू पहुंच रहे श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गर्मी और उमस की परवाह किए बिना भक्त देर रात से ही निर्धारित केंद्रों पर टोकन पाने और तत्काल पंजीकरण करवाने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो ऑनलाइन अग्रिम यात्रा पंजीकरण करवाकर आए हैं, लेकिन भोले के पास पहुंचने की आस्था से वे तत्काल पंजीकरण करवाकर जत्थों के साथ रवाना हो रहे हैं। आधार शिविर भगवती नगर से वीरवार को बालटाल रूट के लिए 86 वाहनों में 1,894 श्रद्धालुओं का जत्था गया। इनमें 1,248 पुरुष, 565 महिलाएं, 11 बच्चे, 30 साधु और 40 साध्वियां शामिल हैं। इसी तरह पहलगाम रूट के लिए 105 वाहनों में 2,991 श्रद्धालुओं का जत्था गया। इनमें 2,374 पुरुष, 521 महिलाएं, 3 बच्चे, 81 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं की बस के ब्रेक फेल, 6 यात्री घायल। अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नगरकोटा के बंटोल प्लाजा के पास बस के ब्रेक फेल हो गए। ये बस बालटाल रूट से जम्मू की तरफ आ रही थी। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अगली तरफ बैठे 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि बस में सवार करीब 40 यात्री बाल बाल बचे। घायलों को GMC जम्मू में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से बस NL01B1647 बालटाल मार्ग से वापस जम्मू की तरफ आ रही थी। वीरवार सुबह बस जैसे ही बंटोल प्लाजा के पास पहुंची, तो इसके ब्रेक फेल हो गए। चालक ने बस रोकने का प्रयास किया, लेकिन ब्रेक नहीं लगे। थोड़ी दूर जाकर बस एक डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। इससे बस का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 6 यात्री घायल हो गए। इनमें ध्यानेश्वर गिरी 26 वर्ष निवासी शिवनगर, बरत मुखेड़ नांदेड़ महाराष्ट्र, साहेबराव बालाजी वानखेड़े 31 वर्ष निवासी मेंढाला अर्धापुर महाराष्ट्र, धनराज रमेश श्रीसागर 23 वर्षीय निवासी नांदेड़ महाराष्ट्र, भगवान गिरी कैलाश गिर 46 वर्ष निवासी खंडोबा चौक निकट नांदेड़ महाराष्ट्र, प्रकाश रघुजी लमने 59 वर्ष निवासी जीजा माता चौक देशमुख नगर महाराष्ट्र और भरत मारोतराव धोने 64 वर्ष निवासी यवतमाल नांदेड़ महाराष्ट्र शामिल हैं। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से GMC जम्मू पहुंचाया गया।